मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों ने किया सड़क जाम। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलने से आक्रोशित मौजे सहित जिला को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की कर रहे मांग। दरअसल मुंगेर में बाढ़ पीड़ित सरकारी सहायता नहीं मिलने के कारण आक्रोशित होकर NH 80 को जाम कर दिया है। वहीं ये सड़क जाम बरियारपुर प्रखंड के विजय नगर के पास की गई है और सभी बाढ़ पीड़ित मुआवजे सहित जिला को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जाम कर रहे बाढ़ पीड़ितों ने बताया है कि बरियारपुर प्रखंड के सभी 11 पंचायत पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं, जिससे सभी के घर जलमग्न हो चुके हैं। उसमें से इटहरी पंचायत के कई वार्ड के बाढ़ पीड़ितों को अब तक जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं दिया गया है, जिस कारण वे आज सड़क जाम करने को बेवश हैं। उन लोगों ने बताया है कि कई दिनों से बाढ़ का पानी पूरे गांव को जलमग्न कर दिया है, जिससे कि खाने पीने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है। वहीं जाम के कारण NH 80 पर दोनों तरफ गाड़ियां की लंबी कतारें लग गई हैं। प्रशासन देखे बाढ़ घोषणा नहीं हुआ ना, बाढ़ घोषित सब कुछ पानी छो सकते यार, बच्चा बुजुर्ग भूखल रहे छो। कौन को मामला है? विजय नगर व्यवस्था नहीं है, कोर्ट ले लेता है, कहता है यहाँ देने वहाँ देने, कुछ नहीं देता है, खाने को नहीं है, बाल बुतरू कैसे रहेगा नहीं रहेगा रोड पर। ये किया है जॉन, हम लोग को घर डूबा है, सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं है, बनी नहीं है, बाल बच्चा माल जाल रोड पे रहे, धूपा में जल रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, न डॉक्टर है न वैद्य है, रहने का व्यवस्था नहीं है, वोट लेने के लिए वोट लेता है, अभी कोई नहीं आता है, अभी कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रशासन देखे बाढ़ घोषणा नहीं हुआ ना, बाढ़ घोषित सब कुछ पानी छो सकते यार, बच्चा बुजुर्ग भूखल रहे छो। कौन को मामला है? विजय नगर, यहाँ का संसद जो है निकम्मा है, यहाँ वोट लेता है पैसा के बल पे, ठीक है, ठीक, और पब्लिक मर जाए हैरा जाए संसद महोदय तो कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि विजयनगर में उसको वोट मिला है और वोट मिलने के पश्चात यहाँ पे ग्रामीण जाम किए हुए हैं और सांसद महोदय का कोई ध्यान नहीं है, खतरा निशान से पार हो गया है, न यहाँ डॉक्टर है न यहाँ मरीज है न कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ये आप लोग का आप लोग का जो क्षेत्र है ये कितने दिन से पानी से ग्रसित है? कम से कम यहाँ पे 10 दिन से पानी में डूबा हुआ है ग्रामीण सब, और 10 दिन से अभी तक चाहिए 10 दिन से अभी कोई कार्यकर्ता आपके क्षेत्र का जो है कोई नहीं आया है, संरक्षण करने कोई नहीं आया है, ठीक है।